हेलो मेरे प्यारे साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर आपका अड़तीस चलेगा और जल जल्द ही जो है कि हम लोग इस चैप्टर को भी समाप्त करने वाले हैं इसमें इस वीडियो में हम लोग सिर्फ जो है कि फार्मूला देखेंगे और उस फार्मूले पर जो है कुछ एग्जाम्पल भी समझते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे ये आपका अड़तीस चैप्टर है समकोणी कार्तीय जो है कि निर्देशांक है और अभी तक जो है कि सैंतीस चैप्टर को जो है कि आप कंप्लीट देख नहीं पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक मिल जाएगा आप वहां से जाकर देख सकते हैं या हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा प्लेलिस्ट में जो है प्रत्येक दिन का वीडियो वहां पे सेव किया गया है जाकर आप वहां से भी देख सकते हैं वहां पर जो है प्रत्येक दिन का वीडियो आपको डेट वाइज करके मिलता रहेगा यानी कि आपको वहां प्रत्येक दिन का वीडियो जो है कि आपको वहां पर मिल जाएगा आपको जो है कि वीडियो सर्च करने में भी दिक्कत आपको नहीं होगी वहां पर जो है कि डेट वाइज आपको मिल जाएगा तो ये आपका जो है इस वीडियो में हम लोग अड़तीस जो है चैप्टर को कवर करेंगे ये पूरा कवर नहीं करना है आपको सिर्फ जो है कि हम

हम लोग जानते हैं कि निर्देशांक में हम लोग अधिकांश तौर से जो है कि अच्छे जो है कि हम लोग को दो ही पढ़ने के लिए मिलती है एक्स एच और क्या वाई एच ऐसे तो अच्छे कई हैं ठीक है थीके? लेकिन हम लोग जो कि इस वीडियो में यानी कि इस चैप्टर में ऐसे समझ इस चैप्टर में जो है कि हम लोग दो ही एच पढ़ना है एक्स एच और क्या वाई एच पढ़ना है देखिए तो हम लोग देखते हैं कि दो अच्छे तो दो होती हैं हम लोग पता है एक्स अच्छे कितनी होती है दो ये आपका एक ऐसे रेखा खींच दिए और एक आपका ऐसे रेखा खींच दिया गया ठीक है तो ये जो आपकी रेखा खींची गई है पश्चिम से पूरब की तरफ ऐसे समझ सकते हैं ये उत्तर से दक्षिण की तरफ ऐसे समझ सकते हैं तो इस रेखा को हम लोग कहते हैं एक्स एच क्या बोलते हैं एक्स एच बोलते हैं ठीक है और एक जो है कि एक्स एच को एक रूप से भुज भी बोलते हैं क्या बोलते हैं भुज इसको हम लोग क्या बोलते हैं भोज यानी कि दूसरा नाम हम लोग भोज भी बोलते हैं यानी कि यदि कोई आपसे पूछ देता है भोज क्या है और कोटि क्या है तो एक्स एच को भोज बोलते हैं और वाई एच को क्या बोलते हैं कोटि ठीक है एक्स एच को क्या बोलते हैं भोज और वाई एच को क्या कोटि हम लोग बोलते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो ये आपका एक्स एच हुआ और ये आपका क्या हो गया वाई एच ठीक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं अब ये आपका इधर वाला साइड जो है इसको एक्स डैश बोल सकते हैं एक्स डैश एच क्योंकि दो हो हो जाएगा जाएगा में लगा लीजिए आपका ठीक है तो अब देखिए जो x अक्ष और जो y अक्ष रेखाएं दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटती हैं वह आपका समकोणी होता है ये आपका क्या होता है समकोणी यानी कि ये नाइनटीन डिग्री का होता है कितने डिग्री का 90 डिग्री का तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं समकोणी कहते हैं यानी x अक्ष और y अक्ष का जो कटान बिंदु होता है वहां पर बनता है क्या समकोणी यानी कि ये क्या बनता है आपका समकोण यानी कि ये आपका बनता है नाइनटीन डिग्री का ठीक है यानी कि ये कितने का है नब्बे नब्बे का है तो ये आपका सम कोड़ी हुआ उम्मीद होगी बिल्कुल आपको समझ में आ गया है ठीक है अब इतना तो आप लोग कंप्लीट हुआ यहाँ पर देखिए देखिए भाई ये एक्स डेस एच है तो ये भी भूजे होगा ये नहीं कि आप इसको दूसरा कुछ समझेंगे ये भी भूज है और ये भी क्या है कोटी है ठीक है अब यहाँ पर देखिएगा एक्स एच और वाई एच जो दोनों रेखाओं का कटान बिंदु होता है एक्स एच और वाई एच इन दोनों रेखाओं का जो कटान बिंदु होता है उसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु क्या बोलते हैं मूल बिंदु बोलते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक की की बात जाए तो आपका निर्देशांक होता है जीरो और जीरो यदि हम कह देते हैं कि यदि आपकी कोई रेखा है जो मूल बिंदु से होकर गुजरती है तो समझ जाइएगा कि जब मूल बिंदु से होकर गुजर रही है तो उसका जो भी निर्देशांक होगा एक निर्देशांक आपका क्या होगा जीरो और जीरो होगा उम्मीद होगी फ्रेंड्स समझ में आया तो ये आपका हुआ मूल बिंदु यानी कि जीरो और जीरो यानी एक्स एच और वाई एच का जो कटान बिंदु होता है हम लोग उसी को क्या बोलते हैं मूल बिंदु बोलते हैं यहां पर निर्देशांक अच बात आई है फ्रेंड्स तो निर्देशांक अच, अच क्या है एक्स एच और वाई एच को ही हम लोग क्या बोलते हैं निर्देशांक अच बोलते हैं क्या बोलते हैं निर्देशांक अच ठीक है तो इतना आपको कंप्लीट हुआ चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष से जो भाग बनते हैं टोटल आपके चार भाग बनते हैं कितने भाग बनते हैं चार ये आपका फर्स्ट हुआ सेकेंड थर्ड ये क्या फोर्थ ठीक है यानी पहला दूसरा तीसरा और क्या चौथा तो इस प्रथम भाग यानी कि जो ये आपका पहला भाग यानी प्रथम हम वो चतुर्थांश बोलते हैं क्या बोलते हैं फ्रेंड्स चतुर्थांश ठीक है क्या बोलते हैं इसको चतुर्थांश बोलते हैं यानी कि ये आपका प्रथम चतुर्थांश है, ये आपका हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा अब ये आपका हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा अब ये आपका हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश यानी कि या आपका चौथा चतुर्थांश यानी चतुर्थ ठीक है फ्रेंड्स समझ में आया अब ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो मूल बिंदु है मूल बिंदु से इस दिशा में चलते हैं तो आपका प्लस माना जाता है और मूल बिंदु से इधर चलेंगे तो आपका क्या होता है माइनस होता है मूल बिंदु से ऊपर चलते हैं तो आपका प्लस होता है मूल बिंदु से नीचे आएंगे तो क्या होगा माइनस होगा ठीक है फ्रेंड्स उम्मीद होगी इतना आपको समझ में आया यानी कि मूल बिंदु से इस दिशा में हम लोग चलेंगे तो आपका माइनस होता है मूल बिंदु से इधर चलेंगे तो आपका प्लस होता है मूल बिंदु से ऊपर चलेंगे तो प्लस होता है मूल बिंदु से नीचे आएंगे तो क्या होता है प्लस इतना कंप्लीट अब देखिए ये तो आप लोग पता होगा लेकिन मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए और कोई भी जो है कि ये दिक्कत भी नहीं होगा प्रश्नों का सोलूशन करने में अब ये प्रथम चतुर्थांश है तो इसमें आपका जो है कि सच और जो पड़ता है दोनों प्लस में आते हैं ठीक है इस प्रथम चतुर्थांश में आपके एक्स एच और वाई एच जो भी भाग आपके आएंगे इसमें अब ये आपका प्रथम प्रथम में पड़ेगा और ये इसमें आपके द्वितीय में जो है कि एक प्लस होता है क्या माइनस होता है तीसरे में ये दोनों क्या होते हैं माइनस होता है और चौथे में आपका होता है प्लस और क्या माइनस ठीक है फ्रेंड्स यानी कि ऐसे समझ सकते हैं कि पहले चतुर्थांश में दोनों प्लस यानी और वाई एच जो भी पढ़ेंगे आपके दोनों प्लस में आएंगे द्वितीय चतुर्थांश में आपके प्लस और एक एक्स का, का मान प्लस होगा सॉरी एक्स का मान माइनस होगा दूसरा मान किस में प्लस यानी कि ऐसे समझिए ये पहला मान एक्स का है दूसरा वाई का पहला मान एक्स का दूसरा वाई का पहला मान एक्स का दूसरा वाई का x का का दूसरा क्या y यानी कि आपसे पूछा जाता है प्रथम चतुर्थांश में कौन कौन धनात्मक होते हैं कौन धनात्मक कौन ऋणात्मक होता है तो बोलेंगे x माइनस होता है द्वितीय में और y क्या प्लस होता है तृतीय में आएंगे तो x भी माइनस और y भी क्या माइनस होगा चतुर्थ में आएंगे तो एक्स जो है कि एक्स प्लस होगा और वाई का चिन्ह क्या होगा माइनस होगा ठीक है फ्रेंड्स उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है किस तरह से हम लोग सोल्यून जो है कि ये आप लोग जो आप लोग का जो है ग्राफ बना हुआ है इसमें कौन सा चिन्ह किस में आपका प्लस और माइनस है इतना कंप्लीट हुआ चलिए इतना कंप्लीट हो गया तो देखिए निर्देशांक में हम लोग जो है कि दर्शाने के लिए दिया आता है दर्शाने के लिए तो अधिकांश तौर से इसमें इस चैप्टर में आपको मिलेगा नहीं सोल्यूशन करने के लिए सिर्फ मिलेगा लेकिन कैसे हम लोग दर्शाते हैं जरा हम लोग उसको भी समझ लेते हैं ठीक है ध्यान दीजिएगा यदि हम लोग कोई बिंदु ले लेते ले हैं दो और कितना चार समझिएगा ये आपका कोई बिंदु है दो और चार है और इस जो है निर्देशांक ये जो भी जो भी आपका ये अच्छ बनाया गया है ठीक है इस पे जो है कि हम लोग को दर्शाना है तो ये आपका जो बिंदु है आपका दो है और क्या है चार यानी कि पहला मान x का होता है दूसरा मान किसका होता है y का अब देखिए दो का भी चिन्ह प्लस है चार का भी चिन्ह क्या प्लस दोनों का चिन्ह प्लस है तो जो भी हम लोग का ग्राफ बनेगा जो भी हम लोग का ग्राफ बनेगा वह कोथे में जाएगा दोनों का प्लस है तो आपका क्या दोनों का प्लस किस में होता है प्रथम में यानी प्रथम में जाएगा तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ठीक है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ये तो आप लोग पता होगा सब लेकिन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ तीन चार पाँच छ सात आठ एक एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ यहाँ पर हो जाएगा एक हो जाएगा दो तीन चार पाँच छः सात और क्या आठ इसमें आपका हो जाएगा एक दो तीन चार पाँच छः सात और क्या आठ इधर आइए माइनस में जा रहे हैं तो हम लोग का हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स हो जाएगा माइनस सेवन और ये आपका माइनस एट कम्प्लीट हुआ इतना इसमें आएँगे तो आपका हो जाएगा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस क्या एट ठीक है अब देखिएगा हम लोग दर्शाएंगे ये कह रहे हैं कि ये ये तो हम लोग पता है पहले में आ रहा है लेकिन एक्स एच पे का खाना चलना है दो खाना एक दो और पहले में आएगा तो हम लोग ऐसे करके खींच देंगे क्योंकि पहले में हम लोग ग्राफ बनाना है यानी कि आप यहाँ पर रखेंगे नीचे ला देंगे आप तो पहले में पढ़ रहे थे पहले ऊपर वाले में यानी कि पहले में हम लोग खींचना है वाई एच पे चार खाना चलिए तो एक दो तीन चार प्लस में चार खाना ये आपका क्या रहा कटानदहा यानी कि ये या आपका हो गया दो और क्या चार देखिए हम जो भी ये चीज़ पढ़ा रहे हैं आपके जो है कि दस वालों के लिए भी है और जो है कि ग्यारह ठीक है ग्यारह वालों के भी ग्यारह वालों के लिए भी है और ये दस वालों के लिए भी और पॉलिटेक्निक वालों के लिए भी है ठीक है क्योंकि ये ट्वेल्थ में आपका है नहीं ठीक है उतना है नहीं ट्वेल्थ में ये ठीक है ये ग्यारह को भी काम करेगा और दस वालों को भी काम करेगा पॉलिटेक्निक वालों के लिए भी ठीक है ये तो पॉलिटेक्निक का चल ही रहा है अब ये आपको कंप्लीट हुआ जैसे अब दूसरा समझते हैं जैसे आपका माइनस छ हो जाए और आपका पांच हो जाए तो अब ये ग्राफ कौथा में पड़ेगा देखिए माइनस और प्लस यानी कि एक का प्लस एक का माइनस मिला दूसरे का क्या प्लस यानी कि एक्स और वाई एक्स का माइनस है वाई का क्या प्लस यानी कि माइनस और प्लस किस चतुर्थांश तो में पड़ता है देखिए माइनस और प्लस ये दूसरे का चिन्ह मिलता है माइनस माइनस रहता तो तीसरे में आ जाता यानी कि इसमें आपका आ रहा है तो हम लोग बढ़ाना है क्या एक्स एच पे यानी कि जो भी ग्राफ बनेगा दूसरे में आपका बनेगा ठीक है तो दूसरे में बनेगा तो एक्स एक्स पे माइनस छः का माइनस छ का आना देखिये माइनस की तरफ चलेंगे एक से, एक दो तीन चार पाँच छ ये छह है ना तो इधर हम लोग ऐसे दर्शा लेंगे वाई एक्स पे पांच चलेंगे देखिये प्लस की दिशा में ये नहीं की नीचे आ जाएंगे नीचे माइनस वाला दिशा है एक दो तीन चार पांच ये रहा आपका यानी कि ये कटान बिंदु हो गया ग्राफ बना माइनस छ और कितने का पांच का ठीक है उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको क्लियर हो रहा है ज्यादा तो समय लग रहा है लेकिन आपको समझाना है ठीक है ये बेसिक ही चल रहा है अभी फार्मूले पे हम लोग भी सवाल सोल्यूशन करके देखेंगे अब इसमें आते हैं एक और इसी तरह से आप लोग इसका भी इंडिकेट कर लेंगे इसका भी इंडिकेट कर लेंगे ठीक है दोनों का यदि माइनस हो जैसे यहाँ पर दोनों का अब माइनस हो जाए दोनों माइनस चिन्ह हो गया तो इसमें आएगा x एच पे का छाना चलिए और y एच पे क्या पांच एक दो तीन चार पाँच ये माइनस में है पांच ये आपका इंडिकेटर रहा माइनस छ और क्या माइनस पांच इसी तरह से हम लोग प्लस छ कर दें माइनस तो जो है पांच कर दें तो आपका चौथे में आ जाएगा क्योंकि एक्स एच प्लस बन चुका वाई एस माइनस बन चुका तो आपका ये चौथे में आ जाएगा तो एक्स एच पे छाना प्लस में एक दो तीन चार पाँच छ हो गया और वाई एच पे जो है माइनस पांच चलिए एक दो तीन चार पाँच ये माइनस पांच हुआ ये कटान बिंदु हुआ तो हम लोग का ये

ए ए सॉरी वाला बिंदु यदि और छ हो बी वाला यदि दो और चार हो तो बीच की दूरी है फ्रेंड्स इसके बीच की दूरी जो है कितनी है ठीक है इनके बीच की दूरी आपकी कितनी है चलिए हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं इसके बाद जो है ये आप याद रखेंगे कि किस चतुर्थांश में कौन प्लस और माइनस रहता है जब तक ये याद रहेगा नहीं तब तक हम लोग ग्राफ बनाकर समझ भी नहीं सकते हैं ठीक है तो आप लोग इसे याद रखेंगे तो हम लोग देखते हैं कि अब इन दोनों के बीच की तो दो बिंदुओं के बीच की क्या दूरी चलिए हम लोग पहले फार्मूला लिखते हैं उसके बाद हम लोग जो, लो जो है कि सोल्यूशन करेंगे ठीक है चलिए हम लोग सोलूस इसको हम मिटा रहे हैं यहां पर जो है कि आप लोग कॉपी का इसको जो है कॉपी भी कर सकते हैं आप जो है समझने के लिए आपको ठीक है चलिए तो हम लोग चलते हैं कि दोनों दो बिंदु दिया हो तो उनके बीच की दूरी यानी कि यही जो दो बिंदु अब ये बिंदु है ना और ये ये बिंदु इनके बीच की दूरी यदि फाइन करनी है तो आप कैसे निकालेंगे वो जरा समझेंगे ठीक है ना चलिए हम लोग समझ लेते हैं इससे भी तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना ठीक है दो बिंदुओं के यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी यदि आपके दो बिंदु दिए गए हैं वही जो है हम लोग अभी पढ़े हैं इंडिकेट कर रहे थे दोनों बिंदु उनके बीच की दूरी दूरी आपको फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करना है ठीक है यहाँ पर देखिए कर दो बिंदु आपके दो बिंदु भी दिए गए हैं यदि कोई ए बिंदु दिया है और बी बिंदु ए का जो भी आपका जो भी आपका ए बिंदु होगा उसको एक्स वन वाई वन मानते हैं और जो दूसरा बिंदु होगा उसको एक्स टू और क्या वाई टू मानते हैं कि बीच की दूरी यदि फाइंड करनी हो तो आपका फॉर्मूला बनता है ए बी बराबर अंडर में का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस क्या वाई वन का होल स्क्वायर आपका होता है ठीक है फ्रेंड्स जरा यहाँ पर समझिएगा यदि बिंदु ओ ओ यहाँ पर क्या है मूल बिंदु है ये ये ओ ये क्या है ओ है ठीक है मूल बिंदु को ओ से इंडिकेट करते हैं ऐसे समझ सकते हैं जो भी आपका केंद्र होता है उसको ओ से इंडिकेट करते हैं तो ओ यानी कि मूल बिंदु आपका यदि हो तो मूल बिंदु से यानी कि वाई कोई बिंदु है तो अन्य बिंदु है तब आपका ओपी बराबर हो जाएगा अंडर्ड में एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर देखिए हम दोनों पे जो है कि सोल्यूशन करके दिखाएंगे कि किस तरह सोल्यूशन होगा जरा समझिए हम लोग ऐसे ही हम लोग दर्शा लेते हैं जरा फर्जी दर्शा लेते हैं भाई ठीक है यह पर कोई सवाल नहीं है हम लोग फर्जी समझ रहे हैं ये हम सिर्फ समझते हैं यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार पांच ठीक है एक दो तीन चार पाँच छोटा छोटा मैं लिख दे रहा हूं ऐसे करके ऐसे हम लोग जो है खींच लिए ठीक है आपको सिर्फ समझा रहा हूं मैं और ये आपका मूल बिंदु है जो आपका क्या होता है जीरो और क्या जीरो अब यहां पर देखिए दो बिंदु आपके दिए गए हैं जैसे मान लीजिए एक आ गया एक दो तीन चार पेक गया एक चार पे गया एक दो तीन और दूसरा तीन पे गया सपोज दैट ये मान लीजिए तो आपका बिंदु मिल गया कितना एक्स एच पे चार चले हैं और वाई एच पे कितना तीन सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ ज़्यादा आप लोग समझिएगा थोड़ा ठीक है ना ये नहीं कि कमेंट करने लगे कमेंट करने लगे सर जी आप सही से नहीं समझा रहे हैं ये सही से ग्राफ़ बना हुआ या नहीं आप वो बना लेंगे ठीक है ये आपका हुआ इधर आ जाते हैं कोई भी बिंदु हम लोग ले सकते हैं या इधर इस साइड भी ले सकते हैं चलिए हम लोग इस साइड लेते हैं एक दो तीन चार पाँच यहाँ पर हम लोग पाँच पे आ जाते हैं और एक दो तीन चार पाँच और हम लोग यहाँ पर एक दो तीन चार पे आ देते हैं ठीक है ज्यादा हम बड़ा नहीं लेंगे तो ये माइनस में एक दो तीन चार ये माइनस है ये प्लस है ये प्लस है ये क्या है माइनस ये इंडिकेट करना तो ये आपका एक दो तीन चार पाँच ये आपका माइनस फाइव हुआ और ये वाला एक दो तीन चार और ये प्लस कितना हुआ चार ठीक है फ्रेंड्स तो मान लीजिए यहाँ ए बिंदु हो गया ये क्या हो गया बी बिंदु आप कोई भी बिंदु मांग सकते हैं डी और ई भी मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है

दिक्कत नहीं होगी ठीक है ये समझना है कि आपको गलत, आपका जो है गलत हो जाएगा तो अंडर में फार्मूला क्या बनता है एक्स टू माइनस एक्स वन तो एक्स टू का मान पूछ रहा है भाई तो एक्स टू का मान कितना है चार है माइनस कह रहा है एक्स वन एक्स वन का मान देखिए माइनस है माइनस फाइव है ना यहाँ पर देखिए ध्यान समझिएगा ये आपको समझने वाली बात है मैं स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ ठीक है माइनस फोर हो गया यहाँ पहले मैं एक मझिला कोष्टक ले रहा हूँ ये माइनस चार हो गया और इसके बाद आ रहा है माइनस क्या फाइव क्योंकि एक्स टू एक्स वन का मान माइनस फाइव हो रहा है ना अब इसके बाद इसका क्या स्क्वायर इस यहाँ पर हम स्क्वायर लगा लेते हैं आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ इसके बाद प्लस यहाँ पर हम लिख लेते हैं मझिला कोष्टक में इसे भी y2 तो y2 का मान कितना है थ्री है और कामा और इसके बाद वाई वन क्या है फोर ये प्लस ही मेरा इसको छोटा कोष्टक में ले लीजिए क्योंकि माइनस आता तो हम लोग लेते हैं तो मजिला क्वेश्चन लगा लेते हैं तो वाई टू आपका कितना है ध्यान दीजिए तीन है माइनस वाई वन कितना है आपका चार इसके बाद क्या इसका स्क्वायर ठीक है ठीके? समझ में आ गया गए अब जरा हम लोग विस्तार से समझ लेते हैं ताकि जिस बच्चों को समझ में ना आए उसको भी आप आसानी से समझा समझ में आ, आ जाए ठीक है ये फोर माइनस से माइनस में गुणा प्लस फाइव का क्या स्क्वायर प्लस यह आपका देखिए यह आपका घटेगा ना और तो एक बार उतार लीजिए नहीं है तो ठीक है यह आप सोल्यूशन भी कर सकते हैं वहां से अंडर में यह हो जाएगा पाँच चार नौ का स्क्वायर हो जाएगा विस्तार से समझ रहे हैं चार में से एक घटा चार में से तीन घटेगा तो यह आपका एक हो जाएगा यानी चार बड़ा है देखिए पहले यहाँ पर ध्यान समझिएगा चार में से एक घटा ठीक है तो एक हुआ ठीक है और घटाने या जोड़ने के बाद जो आपका मान बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लगाते हैं तो चार बड़ा है तो माइनस लगाएंगे यदि आपका यह बड़ा रहता है तो इसका प्लस लगाते हैं ठीक है थीके? तो आपका चार बड़ा है तो इसका माइनस हो गया इसके बाद क्या स्क्वायर तो हम लोग यहां से आ जाते हैं तो ये आपका बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों अंडरवुड में हो जाएगा नौ का स्क्वायर कर दीजिए नाना वहां इक्यास स्क्वायर का मतलब क्या यानी कि नौ का घात दो है तो इसका मतलब यह हुआ कि नौ गुणे नौ यदि नौ का घात तीन रहता तो नौ को कॉबार लिखते तीन बार हम लिखते हैं ठीक है ना, ना, ना इक्यासी हो गया और ये आपका तो कैसे हुआ क्या माइनस एक दो बार लिखना है ना तो माइनस से माइनस में हम लोग गुणा करेंगे तो प्लस मिलता है एक से एक में गुणा करें दो मिलता है क्या नहीं एक ही मिलता है कि एक तो ये आपका हो जाएगा कितना प्लस एक ठीक है अब ये आपका हो जाएगा ए बी बराबर हो जाएगा अंडर में इक्यासी और बायासी क्या बयासी और बयासी का हम लोग क्या वर्गमूल निकलेगा तो हम लोग निकालेंगे या नहीं निकलेगा तो इतना ही छोड़ देंगे ये आपका क्या इकाई यानी कि दूरी का मात्रा का आप जोड़ लेंगे इकाई यहाँ पर इसमें इकाई इंडिकेट करेंगे ऐसे समझ लें ठीक है नहीं तो ऐसे तो मीटर में होता है लेकिन आप इकाई इसमें निकालेंगे तो हम का कभी निकालेंगे दूरी तो इकाई जोड़ी जाएगी ठीक है ना और क्षेत्रफल निकलेगा तो वहाँ पे जो है कि वर्ग इकाई आपका जोड़ा जाएगा ठीक है उम्मीद होगी कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा ठीक है तो चलिए हम लोग समझते हैं थोड़ा हम लोग इस पे भी समझ लेते हैं कि आखिर में ओ से ये आपका ओ है ना ओ से जो है कि ए की दूरी कितनी है और ओ से जो है कि बी की दूरी कितनी है तो चलिए हम उसको भी समझ लेते हैं तो अब देखिए अब ये कहता है कि ओ से ए की दूरी ओ से किसकी दूरी अब फाइंड करनी है ए की दूरी ध्यान से देखिएगा ओ से ए की दूरी फाइंड करनी है ओ से किसकी दूरी ए की देखिए इसमें रहता तो इसमें भी उसी तरह से हम लोग फाइन करते ठीक है ना तो O से किसकी दूरी निकालना है A की दूरी तो बराबर अंडर रूट में अब देखिए ये जो बिंदु आपका है ना पी एक्स वाई अब इसमें हम लोग इसको एक्स वाई मानेंगे ये जो भी आपका देखिए क्यों मान रहे हैं भाई देखिए एक बात याद रखिए ध्यान दीजिएगा यदि आप इन दोनों बिंदुओं से निकालते देखिए आपका इससे भी निकल जाएगा इससे भी क्या निकल जाएगा और नहीं है तो इसे भी आप सोलूषण कर कर सकते हैं भाई इसको एक्स वन वाई मान लीजिए इसको एक्स टू और क्या वाई टू तो सेम आपका फार्मूला यही बनेगा इससे अच्छा है कि हम लोग डायरेक्ट जो है कि एक्स वाई इसको सिर्फ मान करके या रख करके हम लोग आसानी से निकाल निकाल लेते हैं या नहीं है तो इन दो बिंदु मिल रहे हैं ना तो दोनों यानी कि इसमें भी रख करके हम लोग सोलूषण करेंगे तो वही आपका मान आएगा ठीक है ना वही आपका सेम मान आएगा

Y का मान कितना है फोर का स्क्वायर यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा अंडरवुड में माइनस पांच का स्क्वायर करेंगे तो पांच पच्चीस पचीस हो जाएगा प्लस चार चौ को सोलह हो जाएगा यानी कि इसको जोड़ देंगे तो छ पाची ग्यारह हाँसी एक हुआ दो एक तीन और क्या चार देखिए सही से मल्टीप्लाई भी चेक करते रहिएगा क्योंकि बहुत मिस्टेक भी होता है यहाँ पर पांच पच्ची पच्चीस को चार चौ को सोलह और छ पाची ग्यारह का एक हासिल एक हुआ दो तीन और तीन और एक हासिल क्या चार इकतालीस क्या इकाई समझ में आया यानी कि जो ओ से इस ए की जो दूरी है मूल बिंदु से ए की जो दूरी है अब कितनी है इकतालीस इकाई है इसके बाद आगे बढ़ते हैं बी वाला भी देखते हैं तो बी वाला कैसे निकालेंगे जरा बी वाला को भी समझ लीजिए बी वाला भी अब ओ से किस की बी की तो यहां पर हो जाएगा क्या ओ बी ओ बी की दूरी निकालेंगे तो ये आपका एक्स और वाई होगा कि नहीं होगा इसको एक्स मान लीजिए इसको क्या वाई तो ये आपका हो जाएगा अंडरउ में एक्स का मान कितना है फ्रेंड्स चार का स्क्वायर प्लस y का मान कितना है तीन का स्क्वायर तो यहां से बराबर हो जाएगा अंडरव में एक्स का स्क्वायर सॉरी चार का स्क्वायर चार चौ को सोलह होता है प्लस तीन तो लिखे नौ यहाँ पर हो जाएगा अंडरव में सोलह और न कितना हो जाएगा पच्चीस सोलह न कितना पच्चीस और पच्चीस का वर्गमूल होता है क्या हाँ होता है ना पच्चीस का बरगूल कितना होता है पांच तो ये आपका हो गया क्या इकाई यानी इतना उम्मीद होगी कि तो होगा कि किस तरह से हम लोग कि सोलूशन किए हैं और आपको अच्छी समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें अब हम समझेंगे विभाजन सूत्र क्या है क्या विभाजन सूत्र क्या है और इसके बाद हम समझेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा केंद्र ठीक है और इसके बाद जो है आपको स्क्रीन पे फार्मूला इंडिकेट किया जाएगा उन फार्मूले को जो है कि आप लोग स्क्रीन शाइट करके याद रखेंगे ये भी आपका फार्मूला है इसे आप लोग याद ये मत समझेंगे ये फार्मूला नहीं है ये फार्मूला है आप लोग इसे याद रखेगा ठीक है चलिए हम लोग बढ़ते हैं विभाजन सूत्र पे कि विभाजन सूत्र का जो कि सवाल कैसे हम है हम लोग सोलूशन करते हैं उसका भी जो है कि हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे और फार्मूला भी देख लेंगे कि क्या फार्मूला है और एग्जाम्पल भी कैसे हल किया जाता है ठीक है सवाल कैसे आपका पूछ सकता है उस पर विभाजन सूत्र पे ठीक है यानी कि विभाजन सूत्र में आपका क्या होता, होता है विभाजन होता है तो उसका दो फार्मूला है देखते हैं भाई उनका भी उनका भी सलूशन हम लोग कैसे करेंगे फार्मूला आखिर में क्या है तो देखिएगा फ्रेंड्स यहां पर हम लोग शुरू करेंगे विभाजन सूत्र क्या है विभाजन सूत्र है तो विभाजन सूत्र में आपके दो बिंदु दिए रहते हैं ठीक है और उन दोनों बिंदुओं को मिला दिया जाता है और उन दो मिलाने के बाद जो रेखा होती है जो रेखा होती बिंदु हो, होगा, पूरी रेखा वो कितने के अनुपात में जो एक विभाजित कर रहा है उस एन देखिए यहां पर पहले मैं समझा दे रहा हूं बिल्कुल है ये जो है आपका एक ए है एक्स वन वाई वन है दूसरा बिंदु आपका b है x2 और क्या है y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को c या कोई c देखिए a और b एक दो बिंदु हैं ये x1 हो गया ये x2 y2 हो गया ये x x1 y1 हो गया इसका जो मिलाने वाली जो रेखा है ठीक है रेखाखंड को एक बिंदु क्या है c इसका मध्य बिंदु क्या है मध्य बिंदु नहीं मानेंगे इसका एक इसी रेखा पर एक मध्य बिंदु क्या है c m संबंध है n के अनुपात में ये ये जो c बिंदु है एम संबंध एन के अनुपात में क्या करता है विभाजित करें जैसे सपोज मानिएगा यह आपकी कोई रेखा है ठीक है यह ए हो गया मान लेते हैं यह दो का है यह तीन का है और यह आपका चार का है यह कितने का है पांच का यह बी है और ये कोई बिंदु हो गया यहां पर यह बिंदु आपका क्या हो गया सी और यह जो ए बी रेखा है इसको जैसे मान लीजिए दो संबंध तीन के अनुपात में विभाजित कर दिया और जो सी बिंदु है इसका होता है एक्स और क्या वाई और यही आपको पता करना है कि ये जो आपका ए और बी है जो दोनों रेखाएं एक दूसरे से मिल रही हैं, इसका जो बिंदु एक आपका सी है और ये जो सी बिंदु है ये बी रेखा को जो है कि दो संबंध एक के अनुपात में विभाजित करती है तो आखिर में यहाँ पर जो सी का जो बिंदु है आखिर में क्या होगा कि दो संबंध तीन के अनुपात में वो विभाजित

बराबर निकालेंगे एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटाम क्या एम प्लस एन ठीक है ठीके. इसके बाद y विभाजन के लिए यहां पर फार्मूला सेम यही रहेगा सिर्फ आपको जो है कि माइनस कर देना है y विभाजन के लिए क्या लगाते हैं माइनस लगा देते हैं कि y विभाजन के लिए आपका जो है x और y के लिए y का जो है मान क्या होगा ठीक है यदि अंतर विभाजन का आता है तो प्लस का लगाएंगे y विभाजन के लिए क्या माइनस का आपको लगाना पड़ेगा तो देखिए यहां पर ये आपका सवाल बन गया इसके बाद कह रहे हैं कि ये जो आपका अंतर विभाजन के लिए आपका x और y का मान कितना होगा ये जब अंतर विभाजन करते हैं तो उस समय जो है कि C बिंदु का मान कितना होगा तो कैसे निकालेंगे फार्मूला क्या बनता है यहां पर जो है कि आप स्क्रीन शार्ट कर लेंगे इस फार्मूले का और याद भी रखेंगे ये आपका एक फार्मूला है ठीक है तो स्क्रीन शार्ट जल्दी से कर लेंगे ताकि हम जो है इसी फॉर्म इसी पे जो है हम लोग समझेंगे क्या क्या है आपका ठीक है दोनों का यानी कि अंतर विभाजन के लिए और जो है कि वाई विभाजन के लिए चलिए उम्मीद होगी स्क्रीन शर्ट कर लिए होंगे इसके बाद समझते हैं यहां पर ए का जो मान है ए जो बिंदु है इसको क्या माना जाता है एक्स वन और क्या होता है वाई वन और जो बी वाला है इसको एक्स टू और क्या मानते हैं वाई टू जो अनुपात बनता है एक यम होता है दूसरा क्या एन तो आसानी से एक्स वाई का मान निकाला जाता है निकाला जा सकता है चलिए बहुत बढ़िया निकाल लेते हैं एम एम का मान कितना है समझिएगा दो गुणे एक्स टू का मान कितना है समझिए x2 आपका देखिए ये है x2 तो x2, x2 कितना है चार है या नहीं है m x2 ऐसे रणजी हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं ना x बराबर m m का मान दो है गुणे x2 का मान कितना है चार है प्लस n n का मान कितना है तीन गुणे x1 का मान कितना है आपका देखिए x1 कितना है दो डिवाइड बाय m प्लस n दोनों को जोड़ देना है दो प्� दो चौके कितना आठ प्लस तीन कितना छा में तीन दो पांच यानी कि आठ और छह कितना हो जाएगा चौदह बटा में कितना पांच यानी कि एक एक्स मान आ गया चौदह बटा में पांच यानी कि यह या हो जाएगा चौदह बटा में कितना पांच वाई मान निकालते हैं तो फिर वाई के लिए क्या बन जाएगा देखिएगा ये तो एक्स के लिए था समझ में आया चलिए अब वाई के लिए देख लेते हैं यहाँ वाई मान कितना आता है वाई के लिए आपका हो जाएगा वाई बराबर हो जाएगा एम एम मान दो है गुड़े वाई टू कितने का है पाँच का है प्लस एन कितने का है तीन का है गुड़े वाई वन कितने का है तीन का यह भी है डिवाइड बाई आपका हो जाएगा एम का मान पूछ रहा है तो एम का मान दो है सॉरी इसमें एम का मान दो है प्लस एन का मान कितना है तीन यह हो जाएगा पान धुनी के दस हो जाएगा प्लस तीन तिली के ना हो जाएगा बाटा में तीन दो कितना पाँच दस और ना कितना हो जाएगा उन्नीस बाटा में कितना पाँच ये आपका हो गया उन्नीस बटा में कितना पाँच उम्मीद होगी फ्रेंड्स बिल्कुल आपको समझ में आ गया है किस तरह से अंतर विभाजन में हम लोग सवाल फाइंड करते हैं यानी सवाल का सोलूशन करते हैं यदि एक्स और वाई का मान फाइंड करना हो तो ठीक है सी के लिए उम्मीद होगी समझ में आया इसी तरह से ध्यान दीजिएगा x और y का मान कभी कभी दे, दे देता है और m और n का मान निकालना पड़ता है तो सेम प्रोसेस इन दोनों समीकरण से आपका फाइंड किया जाएगा या यदि हम लोग एक्स वाई का मान दे दिया एक्स टू वाई टू का मान दे दिया कहता है कि एक्सन का मान निकालिए तो आसानी से इसी फार्मूले पे जो है कि हम लोग सब कुछ सोलूशन करेंगे तो ये रहा क्या यह जो है जरा समझिए वाई विभाजन के, के लिए क्या सिर्फ माइनस करते हैं तो माइनस क्या होगा एक्स बराबर एम का मान क्या है दो है ठीक है और इसके बाद गुणे एक्स टू का मान कितना है चार माइनस कर देना है एन का मान तीन है एक्स वन का मान कितना है दो डिवाइड बाई एम का मान कितना है आपका दो है माइनस एन का मान कितना है तीन ये बराबर हो जाएगा दो चौके आठ हो जाएगा माइनस तीन दो तीन दुनी के छ हो जाएगा बटा में तीन में से दो घटा दो भाई तीन में से दो घटेगा एक होगा कि नहीं होगा ध्यान दीजिएगा चेन क्या लगेगा अभी मैं बताया हूँ पिछले वीडियो में पिछले जो प्रश्नों में तीन जो बड़ा है तो इसका क्या लगेगा माइनस लगेगा और इसको घटा दीजिए तो आठ में से छः घटेगा दो होगा कि नहीं और आठ बड़ा है तो प्लस लगेगा तो प्लस लगेगा ही ठीक है किसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग वाई विभाजन के, के लिए निकाल रहे हैं है। तो यहाँ पर हम लोग होगा वाई विभाजन के लिए हुआ अब थोड़ा आगे बढ़ चलते हैं इसके बाद एक्स का तो निकल गया बच गया क्या वाई के लिए आते हैं भाई वाई बराबर एम एम का मान कितना है दो गुणे वाई टू का मान कितना है आपका पांच है ठीक है यहां पर मिस्टेक हुआ था क्या यहां पर एक्स टू का मान कितना हम लोग रखे थे चार रखना पड़े चार रखना चाहिए ना शायद हम लोग क्या यहां पर रखे थे भूल गए हैं आप लोग एक्स टू का मान चार रख लीजिएगा ठीक है हमको लग रहा है मिसप्रिंट है और सही होगा तो बहुत अच्छा है और माइनस यहाँ पर सही कर लेंगे जो भी मान इसमें रखा गया होगा एन एन का मान कितना है तीन गुड़े एक्स वन का मान कितना है एक्स वन ध्यान से भाई रखेंगे तो बहुत मिस्टेक हो जाएगा एम टू एक्स टू का मान चार एक्स टू सॉरी इसमें रखा जा रहा है ना एम का मान दो हुआ वाई टू का मान आपका पाँच हुआ माइनस एन का मान आपका तीन हुआ गुड़े और वाई वन का मान आपका वाई वन तीन है ना देखिए बहुत गलत हो रहा है तीन ठीक है सही से करेंगे कोई बात नहीं ठीक है समझना है ना अब बाटा में आपका एम एम का मान दो हो गया एन का मान क्या माइनस तीन मिलाते चलेंगे आप लोग दस और ये हो जाएगा माइनस तीन तो लिखे नौ डिवाइड बाई आपका हो जाएगा तीन में से दो घटाएंगे वही माइनस एक होगा कि नहीं होगा इसको घटा देंगे तो एक बटा में क्या माइनस एक बराबर हो जाएगा कितना माइनस एक माइनस एक से एक में गुणा एक में डिवाइड करेंगे तो माइनस एक होगा कि नहीं होगा और ये आपका रहा क्या माइनस वन ठीक है तो ये आपका ऐसे फाइंड किया जाएगा अंत विभाजन और क्या वाई विभाजन के लिए यदि दो बिंदु दिए गए हैं दोनों बिंदु को मिलाया जाता है अंत विभाजन यानी कि मिलाने के बाद जो अनुपात में विभाजित करते हैं उसके अनुसार जो है कि आसानी से हम लोग फाइन कर सकते हैं तो कभी कभी ये होता है कि आपका जो है कि ए का मान दे देगा बी का मान दे देगा या सी का मान जो दे, दे, दे देगा वो कहेगा कि अनुपात क्या है अनुपात क्या है तो आसानी से इसी फॉर्मूले से हम लोग फाइन करेंगे तो ऐसा सवाल आएगा तो हम लोग देखते चलेंगे ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें लास्ट है त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा केंद्र केंद्रक त्रिभुज का क्षेत्रफल और केंद्रक जो है त्रिभुज के केंद्र यानी कि ये मान लीजिए कोई आपका त्रिभुज बना ठीक है इसकी जो है इसका शीर्ष दिया हो इसका शीर्ष इसका शीर्ष दिया हो तो इसका केंद्र जो होगा केंद्र का आखिर में निर्देशांक कितना होगा वैसे भी हम लोग कैसे फाइंड करते हैं और पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा उसको जो है कैसे निकालेंगे देखिए दोनों पे हम लोग सवाल देखेंगे ठीक है दोनों पे एग्जाम्पल समझेंगे कैसे हम लोग फाइंड करेंगे ठीक है ना उम्मीद ये समझ में आ गया है चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें क्योंकि ये बेसिक चल रहा है अभी ठीक है ना चलिए हम लोग समझते हैं अब क्षेत्रफल कैसे फाइन करेंगे त्रिभुज का जब तीन शीर्ष आपके दिए गए हैं तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे और उस त्रिभुज का केंद्र कैसे फाइन कर देंगे केंद्र का निर्देशांक कैसे निकाला जाएगा देखिएगा फ्रेंड्स ये आपका जो है चले गए अब त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा क्या निर्देशांक यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा निर्देशांक नहीं भाई ये केंद्रक है क्या है केंद्र त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा केंद्र त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा केंद्र कोई बात नहीं आप लोग बना लेंगे ठीक है कह रहे हैं कि यहां पर जो है फार्मूला में रख दिया हूं ठीक है माना त्रिभुज के सिर से एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू और क्या एक्स थ्री और वाई थ्री है तो क्षेत्रफल फाइन किया जाता है तो क्षेत्रफल होता है एक बट्टा में दो सार ये पता है ना क्या है क्या है सारणी है

आर वन होता है आर टू और क्या आर थ्री यानी कि यह पहली पक्ति दूसरी पक्ति तीसरी पक्ति पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ क्या तीसरा स्तंभ होता है ठीक है तो देखिये इसमें जो है इस फार्मूले में जो है कि हम लोग सीवन से विस्तार किए हैं किसे किए हैं सीवन से विस्तार किया गया है और नहीं है और आप इजी और बनाना चाहते हैं तो आप जो है कि सीथरी से विस्तार कर देंगे तो आसानी से आपका और सिंपल हो जाएगा ठीक है तो ये आप सीवन सीथरी से भी कर सकते हैं या सीवन से भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है ना यहां पर हम लोग विस्तार किए हैं किससे हुआ C1 से. तो आपका ये, आपका जो है आपका जो है, है आपका गलत ना हो वाई टू माइनस वाई थ्री वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू कोष्टक में वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस जो है कि एक्स थ्री वाई थ्री माइनस वाई वन एक्स थ्री वाई वन माइनस क्या वाई टू ठीक है अब ये आपका इस पे जो है कि कि हम लोग फाइंड कर सकते हैं जब त्रिभुज के तीन शीर्ष यानी कोई आपका ये त्रिभुज बना हुआ है ठीक है ये आपका ए हो गया सपोर्ट दैट बी हो गया और क्या हो गया सी ये त्रिभुज आपका बना हुआ है ना त्रिभुज के शीर्ष मान लीजिए दो चार ये दिया हुआ हो दो एक दिया हुआ हो और ये आपका तीन और जीरो दिया हुआ है और कह रहा है कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है पूरा क्षेत्रफल आपका कितना है ठीक है यानी त्रिभुज के तीन शीर्ष दिए गए हैं तो उनका क्षेत्रफल जब फाइन करेंगे तो आप लोग जो है कि इस पर ही रख सकते हैं यानी कि इसको एक्स वन वाई वन मान सकते हैं एक्स टू और क्या वाई टू और ये क्या है एक्स थ्री और क्या वाई थ्री ठीक है हम लोग आसानी से इसमें रख करके सोलूशन कर सकते हैं या नहीं है तो इसका पहले मल्टीप्लाई करा लीजिए यह फार्मूला आप यहाँ पर भी रख सकते हैं या इसको आप फार्मूला और बना सकते हैं क्या देखिए क्या बना सकते हैं और फार्मूला मल्टीप्लाई करा देता हूँ एक्स वन वाई टू माइनस एक्स वन वाई थ्री प्लस यहां पर एक्स टू वाई थ्री माइनस एक्स टू वाई वन प्लस यहां पर एक्स थ्री वाई वन माइनस एक्स थ्री क्या वाई टू ये यह अब फार्मूला यहां पर डायरेक्ट यहाँ से भी आप रख सकते हैं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी या देख लीजिएगा विस्तार करके आपका जो है कि आ, ए, सवाल जो है गलत ना हो ठीक है यहाँ पर आप लोग उम्मीद होगी समझ में आ गया है ये आपका जो है फार्मूला बना अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो ठीक है यहाँ पे यानी कि आप जो है कि यहाँ पर भी मान रख करके हम लोग सोलूशन कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से भी मान हम लोग रख सकते हैं ताकि एक स्टेप आपका आसानी से कट जाए तो यहाँ पर मान कैसे पुट करना है करें कि ये जो आपका बिंदु दिया, दिया यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल समझ रहे हैं तीन बिंदु यानी कि त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं तीनों शीर्षों का जो है कि मान आपका दे दिया गया है और ये आपसे पूछा जा रहा है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालिए तो या तो इसमें भी रख करके आप फाइंड कर सकते हैं विस्तार करके या इससे अच्छा है कि यहीं पे हम लोग मान रख करके सोल्यूशन कर सकते हैं कि आपका कितना मान आएगा तो हम लोग जो है सोलूशन करके देखते हैं भाई कितना आपका होगा यहाँ पर यह निर्देशांक फार्मूला है आपका इसका स्क्रीन आप लोग कर लेंगे ठीक है ये आपका एक फार्मूला है स्क्रीन शॉट जल्द से जल्द कर लेंगे और याद भी रखेंगे ये फार्मूला आपका क्या है ठीक है चलिए हो उम्मीद होगी कि आप लोग स्क्रीन शार्ट कर लिए होंगे तो यहां पर हम लोग आते हैं आ, यहां से देखिए ये आपका फार्मूला बन गया हम लोग यहां से सिर्फ देखेंगे इसको हम लोग हटा दे रहे हैं ताकि ऊपर हम लोग सोल्यूशन करके समझ सके ठीक है ना देखिए अब समझिएगा इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है तो आपका एक भाटा में दो दिया हुआ है कोष्टक में एक्स वन यहाँ से हम लोग एक्स वन का मान पुट करेंगे भाई एक्स वन का मान आपका दो है गुणे वाई टू कितना है वहां से देखते चलिए वन और माइनस है एक्स वन आपका कितना है दो है गुड़े वाई थ्री कितना है वहाँ पर आइए जीरो है प्लस एक्स टू कितना है एक्स टू दो है गुड़े वाई थ्री कितना है जीरो है माइनस एक्स टू कितना है दो गुड़े वाई वन कितना है वाई वन चार है प्लस एक्स थ्री कितना है एक्स थ्री एक्स थ्री तीन है गुड़े वाई वन कितना है चार माइनस एस थ्री कितना है तीन है गुड़े वाई टू कितना है भाई वाई टू वन इतना समझ में आया आप लोग देखेंगे भाई मिलाते चले कहीं मिस्टेक ना हो यदि कहीं भी मिस्टेक होता है तो आप सही से जो है कि मान रख करके सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है सेम प्रोसेस आपका यही चल रहा है ठीक है यहाँ पर आपका हो जाएगा एक बटा में दो में दो एकम दो हो गया माइनस ये जीरो हो जाएगा ये भी आपका जीरो हो जाएगा माइनस दो दो ने दो चौ कितना आठ हो जाएगा प्लस तीन चौ को बारह हो जाएगा माइनस तीन है कम तीन ये आपका जीरो है तो आप छोड़ दीजिए इसको एक बटा में दो हो जाएगा कोष्टक में आइए आप पहले प्लस वनों का इसका भी प्लस है ना दो को और बारह को एक में जोड़ दीजिए तो आपका चौदह हो जाएगा माइनस वालों को एक में जोड़ दीजिए तो माइनस कितना आठ तीन ग्यारह हो जाएगा ये घटा देंगे तो आपको कितना हो जाएगा चौदह में से ग्यारह घटा दीजिए तीन ठीक है तीन बटा में कितना दो ये वर्ग क्या इकाई वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक भी हम लोग लिख सकते हैं यानी कि ये क्षेत्रफल आपका फाइंड हुआ दो बटा में तीन वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक भी हो सकता है ठीक है फ्रेंड्स ये उम्मीद होगी विधवत समझ में आ गया होगा वास्तव में में समझ आया तो एक लाइक जरूर करते जाइए चलिए ये आपको समझ में आया क्षेत्रफल कैसे फाइन किए हैं त्रिभुज के तीन से दिया हो तीन से दिया हो तो आसानी से क्षेत्रफल हम लोग ऐसे फाइन करेंगे ये याद रखेगा ठीक है चलिए हम लोग हम लोग बढ़ते हैं त्रिभुज का केंद्र के निर्देशांक अब ये देखिए ये जो आपके केंद्र के निर्देशांक होंगे यानी कि इसका त्रिभुज का ये जो केंद्र है इसका जो है कि निर्देशांक हम लोग कैसे फाइन करेंगे तो फार्मूला यहाँ पर दिया भी है बस फार्मूले पे हम लोग पुट कर देंगे पुट करके आसानी से जो है कि मान निकाल सकते हैं ठीक है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यदि x1 y1 का यदि मान चिन्ह हो चेंज हो यानी कि इसका माइनस चार हो कभी या कुछ हो तो ऐसे ही बस मान पुट कर देना है ठीक है यदि माइनस वाई वन का माइनस चार हो तो जहां वाई वन होगा वहां पर माइनस चार रख करके मल्टीप्लाई करके निकालेंगे ठीक है ये तो आपको समझ में आ रहा होगा बहुत ही सिंपल था ये तो चलिए हम लोग देखते हैं केंद्र के केंद्र जो है कैसे फाइंड करेंगे और केंद्र में भाई समझ लेते हैं हम लोग माइनस प्लस रख करके थोड़ा चेंजिंग करके समझ लीजिए यहाँ पर माइनस कर दीजिए यहाँ पर भी माइनस कर दीजिए और किसका माइनस कर दें चलिए अब इतना ही रहने दीजिए माइनस या और किसी का भी माइनस कर लिया जाए इसका जो है कि इसका मान चेंज करिए माइनस दस कर दीजिए ठीक है ये समझ में आया ना, ना? चलिए अब हम लोग सोलूशन कैसे करेंगे जरा देखिएगा या नहीं है तो इसका ही माइनस कर दीजिए कोई बात नहीं अब त्रिभुज के केंद्र के, के निर्देशांक निकालेंगे ठीक है निर्देशांग केंद्र के निर्देशांग त्रिभुज तो केंद्र के, के निर्देशांग यदि के 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 निकालेंगे तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स एक थ्री होता है ना यानी कि तीनों का योग तो एक्स वन का मान माइनस दो प्लस होता है एक्स टू प्लस एक्स टू पूछ रहा है भाई तो एक्स टू का मान दो है प्लस x3 पूछ रहा है तो x3 का मान कितना है माइनस तीन है लेकिन प्लस है तो प्लस माइनस आएगा तो ये क्या कर देगा माइनस या पहले विस्तार समझिए माइनस तीन डिवाइड बाई कितना तीन ठीक है देखिए यहाँ पे ये तो घट जाएगा माइनस दो में प्लस दो जुड़ेगा तो घटेगा ना कट जाएगा अब प्लस से माइनस में माइनस थ्री बाई थ्री तीन से तीन कट जाए कितना माइनस वन ठीक है ये माइनस कितना आया वन आ गया ना अब इसके बाद हम लोग दूसरा निकाल लेते हैं दूसरा क्या कर रहा है वाई वन भाई तो y1 वन माइनस फोर है इसके बाद y प्लस y2 टू बाई पूछ रहा है तो y2 टू माइनस दस है तो पहले रख लीजिए माइनस दस रख लीजिए अब प्लस y3 पूछ रहा है तो y3 क्या है जीरो है डिवाइड बाई कितना तीन तो इसके बाद हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों माइनस चार प्लस से माइनस मूंगा माइनस दस अब बाटा में क्या तीन तो ये माइनस दस और माइनस चार माइनस माइनस दस से माइनस चार है तो आपका चौदह हो जाएगा जोड़ेंगे तो और दस बढ़ाए तो क्या लगेंगे माइनस चौदह बटा में कितना यानी कि आपका मान निकला यानी केंद्र के निर्देशांक आपके हो गए माइनस एक हुआ और माइनस के चौदह वटा में तीन ठीक है फ्रेंड ये जो है हम लोग आसानी से सोलूशन कर चुके हैं यानी कि आपका जो है कि केंद्र त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे फाइंड करते हैं त्रिभुज का केंद्र कैसे निकालते हैं हम लोग सब कुछ समझ है ठीक है उम्मीद होगी कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया है और हाँ जाते जाते वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करते जाइएगा और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़ा चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा लेकिन सबसे पहले इंडिकेट मैं कर रहा हूँ स्क्रीन पर आप उनका स्क्रीन कर लेंगे कहीं भी उपयोग में आएगा तो हम उसका उपयोग करेंगे करें त्रिभुज का अंत केंद्र तथा परिकेंद्र कैसे निकालते हैं फॉर्मूला आपको स्क्रीन पर दिया जा रहा है आप लोग जो है जल्दी जल्दी उसका स्क्रीन करेंगे ठीक है फ्रेंड्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और जो महत्वपूर्ण तो तथ्य हैं उसको भी स्क्रीन पे इंडिकेट किया जा रहा है आप लोग इसका भी स्क्रीन इस शॉट करके आप लोग याद रखेंगे क्योंकि जब भी आपकी जो है कि अभ्यास जो है कि शुरू किया जाएगा आपका जो है कि सूत्रों का उपयोग हो सकता है उसमें किया जाए यानी कि वैसा प्रश्न आएगा तो हम लोग करेंगे चलिए आप जो है कि जल्दी जल्दी जल से स्क्रीन शाट करेंगे और हम जो है कि आपको स्क्रीन पे इंडिकेट कर रहे हैं जल्दी जल्दी स्क्रीन शॉट कीजिए तो फ्रेंड्स ये रहा कुछ हम लोग का सूत्र रहा और कुछ हम लोग इग्जाम्पल भी समझें यानी कि कुछ हम लोग उदाहरण भी समझें कि किस तरह सवाल आता है तो हम लोग कैसे जो है उसका मान फाइन करेंगे तो ये कुछ हम लोग को एग्जाम्पल समझें जो कि हम लोग को सवाल जो है कि सोलूशन करने में बहुत ही काम वहाँ पे मदद करेगा हम लोग पहले ये पढ़ चुके हैं तो आसानी से हम लोग वहाँ पे सोलूशन कर सकते हैं और हम लोग को अच्छी तरह से स्टेप बाई स्टेप समझ में भी आता रहेगा यदि हम लोग इसको विस्तार से समझ लिए हैं तो तो फ्रेंड्स उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा जो भी मैं पढ़ाया हूँ आपको बिल्कुल ये क्लियर हो गया होगा और अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा साथ में जुड़ेगी घंटे को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए आपको समय से नोटिफिकेशन पहुँचती रहे चले फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद वंदे मातरम